إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور इधी सबरु वाली उलाकलमतु वजर वा उनकबीर मोहतरम सामीन दी भाई और दोस्तों आज के हालात जो इस वक्त सारी दुनिया में हालात नहायत तेज़ी के साथ बदले हैं अमन अमान खौफ और हरास में बदल गया ख़ुशहाली परेशानी में बदल गई फराखी तंग दस्ती में तब्दील हो गई हर इंसान आज परेशान नज़र आ रहा है क्योंकि हालात जो बदले हैं तो इंसान के अंदर इंसान के हालात इंसान की मीशत माशी ज़िंदगी दीनी ज़िंदगी कारोबारी हर एक के मुतािर हुआ हर एक के अंदर तब्दीली आई तो ये अल्लाह ताला की किताब क़ुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिसमें क़यामत तक आने वाले मसाइल और मुश्किलात का हल मौजूद है हालात हमेशा बदलते रहे हैं कभी खैर कभी शर कभी खुशहाली कभी तंगदस्ती, कभी अमन वमान कभी खौफ और हरास हर एतबार से हमेशा बदल हालात बदलते रहे हैं आज भी हैं और आइंदा भी बदलते रहेंगे हमें क्या करना चाहिए हालात जब बदलें अमन वमान खुशहाली सेहत और तंदरुस्ती कारोबार की ओ का कीज और तरक्की सब तब्दील हो जाए अमन वमान के बजाय खौफ हरास तंगदस्ती के बजाय परेशानी कारोबार अरूज के बजाय सवाल इतने मुश्किल जो आते हैं और हालात बदलते हैं तो क़ुरान ने भी अल्लाह आलमीन हकीम व ख़बीर उसे मालूम है या मा बैन यालमा व मा खल्फहुम क्या क्या हालात पैदा होंगे और हो रहे हैं और हुए हैं सब का इल्म अल्लाह आलमीन का है को है और क़ुरान अल्लाह का कलाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशीन गोियाँ पेश किएँ वो भी अल्लाह रबुआमिन के हुक्म से तो मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि अपने सारे मुश्किलात आज के भी और आइंदा भी जो आए उनको किताबल्लात रसूल से ढूँढना चाहिए कि उसका हल क्या है इसी सिलसिले में मैंने आँफ हजरा के सामने सूरत हूत की तीन आयतें तलावत की हैं नौ दस और ग्यारह ये तीन आयतें हैं आज इन्हीं तीनों आयतों को समझें और वाकई इतने आसान अल्फाज में इतने अच्छे अंदाज में इतने फसाहत और बलागत के साथ अल्लाह ताला ने हमारी सारी मुश्किलात आसान की हल की हैं मालूम पड़ता है कि आज हमारे हालात को देख करके कुरान का नज़ूल हो रहा है तो दोस्तों इसीलिए लिए आयात हमने तिलावत की, था आज तिलावत कि ताकि आज मुसलमान जो बड़ी दुख में तकलीफ़ में और तरह तरह के शैतान वसाविस में भी कर रहा है इसका हल क्या है इन तीनों आयात में मनकूल है पहली आयत है रबुल आलमिन ने फरमाया वला इन अज़ाकन इंसान मिन ना रहमा सुमन जाना मिन हो इनहू ल ऊसन कफूर दूसरी आयत वाल इन अजकुना हो नमा अब अदर अमस्त हो लक़ूल ब सया तो इनहफ़र फ़खोर तीसरी आयत में अल्हबुलमिन ने कामयाब लोगों का तस्करा क्यों फरमाया इधी सबरु वायमल उलाकलह मगफरतूँ अजर उन कबीर पहली आयत अल्लाह फरमाते वाला अज़ाकनसानसान की जल्दबाजी इंसान की उजरत पसंदी ना सबरी ना शिक्री ये नहायत बदतरीन किस्म की जो ख़लत होती है आदत होती है अल्लाह ने पहली और दूसरी आयत नंबर नौ और आयत नंबर दस में यही बयान किया है पहली आयत वाला रहमा और अगर हम इंसान को अपनी रहमतों का मजा चखाते हैं सुमन ना हामिन हो फिर अपनी नेमतें उससे छीन के उसे छीन लेते हैं उसे महरूम कर देते हैं तो दो ख़तरनाक बुराइयाँ और गुनाह करने लगता है वो लया कफूर या उस बन जाता है और कफूर बन जाता है ये दो लफ्ज़ है वला नंसान ना रहमा यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कितने इंसान हैं जिनको हम अपनी नेमतों से माला माल करते हैं माल और दौलत से मालामाल किया बड़ी खुशहाली है ये बहुत बड़ी नेमत है सेहत और तंदुरुस्ती से हमने नवादा ये भी बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है माल और औलाद से नवादा ये भी अल्लाह ताला का बड़ा फजलोक करम है हमने बेहतरीन कारोबार से उसकी रोजी रोटी का इंतजाम किया बड़ा खुश है बेहतरीन किस्म की नौकरी हमने दी बेहतरीन किस्म की मुलाजमत अच्छी खासी तनख्वाह उठा रहा है खुद खाता है इज्जत की जिंदगी के साथ गुजारता है बाल बच्चों को खिलाता है माँ बाप को खिलाता है और बचा बचा करके जायदाद और तो प्रॉपर्टी भी बनाता है बेहतरीन किस्म की गाड़ी बेहतरीन किस्म का बंगला बेहतरीन किस्म का फलेट, रहाइश का इंतजाम है और अल्लाह फरमाते एक अरसे दराज से साल साल एक दो दिन नहीं कई साल एक अरसे दराज से हमने उसको अपनी नेमतों से माला माल कर रखा है ये मतलब वाला इन इंसान मिन्ना रहमा ये जो हमने चंद जुमले आयत के पढ़े ये मतलब है अल्लाह हतार। अल्लाह तला के फरमान का मकसद हर किस्म की नमतों से मैंने उसको माला माल किया नवादा और एक दो दिन के लिए नहीं एक तवील अरसा इस खुशहाली में उसने गुजार दिया दस साल बीस साल चालीस साल पचास साल अरसे दराज तक लेकिन सुमनासाना हामिन हो एक अरसे दराज के बाद किसी वजह किसी मसलहत के पेश नजर अल्लाह रबुलआलम उन तमाम नेमतों को छीन ने लेते महरूम कर दिया कारोबार चल रहे थे कारोबार ठप हो गए बड़े माल और औलाद थे माल खत्म हो गया आमदनी रुक गई बेहतरीन किस्म की नौकरी और मुलाजमत से नवादा था नौकरी चली गई जो आज सबसे बड़ा टेंशन लोगों को देखें अल्लाह एक जुमले में अल्लाह ने कितनी बड़ी मुश्किल आसान की वाला कन इंसान मिन्ना रहमा सुनाना हामिन हो। एक अरसे तक बड़ी खुशहाली की जिंदगी ऐश की जिंदगी खाते पीते माल दौलत इकट्ठा करते करते जिंदगी गुजर गई अल्लाह ने कभी छीना नहीं लेकिन एक अरसे दराज के बाद अल्लाह रबालमी किसी मसलहत की बिना पर एक ही हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे हैं पहले तो अल्लाह ने खूब माल दौलत नियमतों से माला माल किया और सालों अल्लाह ताला ने हमें इज्जत की ज़िंदगी खुशहाली दी तंगदस्ती और परेशानी से बचाया अल्लाह ने देख लिया कि हम क्या करते हैं हमारा रवैया अल्लाह ताला के मामले में क्या होता है अल्लाह ताला देख के आजमाया एक अरसे तक अब अल्लाह आलमीन अपनी नेमत छीन करके ले करके तंग दस्ती परेशानी और मुसीबत के ज़रिए अल्लाह ताला हमारे हमारा इम्तिहान लेना चाहा अल्लाह ने सब छीन लिया छीन लिया बंद कर दिया सब ये अल्लाह बेहतर जानता है क्यों ऐसा किया अल्लाह इम्तिहान हमारा लेता है या कभी अल्लाह ताला ने देकर के आजमाया चालीस पचास साल पच्चीस बीस साल तक बहुत अच्छा अल्लाह ने रखा हर किस्म की नेमतों से मालामाल बड़े ऐज की ज़िंदगी गुजारे लेकिन हमने अपने आमाल को दुरुस्त ना कर दिया गुनाहों और बुराइयों को ना छोड़ा रब की शुक्रगुजारी ना की आलमीन बतौर अजाब और, और बतौर सबक सिखलाने के एहसास दिलाने के अल्लाह ताला ने अपनी नमतें छीन ली या कम कर दी खुशहाली तब्दीली में बदल गई कारोबार खत्म हो गए बेहतरीन मुलाजमत थी बेहतरीन तनख्वाह मिल रही थी आमदनी थी लेकिन आप अल्लाह के घर को आबाद न किए नेकियों के बजाय अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाने के बजाय हरामकारी बुराइयों में रात रात भर घूमते रहे अब अल्लाह ताला ने छीन लिया बतौर अजाब के ताकि हमें एहसास हो तौबा इस्तफार करें रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हमने किसी मसलहत की बिना पर उससे छीन लिया जब छीन लेते हैं हम तो अल्लाह फरमाते अब हमने तो उसको सबक सिखलाने के लिए ऐसे किया लेकिन अब वो दो नहायत खतरनाक बुराई में मुबतला हो गया इन नहू लऊस उन कफूर अब वो यऊस और कफूर में मुबतला हो गया देखिए दोस्तों एक अरसे तक चालीस पचास साल तक या एक अरसे इससे कुछ कम वेश अल्लाह ने खुशहाल बनाया था बड़ी रिश्क की रेल बेल बड़ी खुशहाली थी अब अल्लाह ताला ने कम कर दिया या छीन लिया हमारे हालात बदल दिए तो अब इंसान अल्लाह फरमाते हैं ये मेरा बंदा दो बुराइयों के अंदर बदतरीन चीजों में मुबला हो गया नंबर एक यूस हुआ और नंबर दो कफूर हुआ अब ये मतलब समझें यऊस और कफूर यऊस कहते हैं मायूस को मायूसी ना उम्मीदी, अब मायूसी का शिकार हो गया ना उम्मीदी का शिकार हो गया मायूस इसी को अरबी जबान में कनूत मायूस और कनूत कहते हैं अब इंसान मायूसी का शिकार हो गया क्या मतलब है और कफूर हो गया मायूस यूस और कफूर यूस का मतलब है मायूसी कम हिम्मती परेशानी मायूसी का ताल्लुक होता है मुस्तकबिल से यानी अब वो यऊस का शिकार हो गया मायूसी मायूसी का ताल्लुक मुस्तकबिल से फ्यूचर से होता है क्या मतलब अब वो पचास साल तक पच्चीस साल तक बीस तीस साल तक खुशहाल था अब अल्लाह ताला ने एक झटका दिया और किसी मसलहत की बिना पर या उसकी इलाह के लिए उसको सुधारने के लिए छीन लिया तब तो ऐसा रोता धोता इतना परेशान गिर गया बदारी चीखना चिल्लाना शोर मचाना लोगों के सामने हैं परेशानी के इधार करना मालूम पड़ता है कि अब आइंदा कभी इसको खुशहाल नहीं बनाएगा देखो ये है मायूसी यानी अब ये सोचता है कि ये जो हमें ऊपर परेशानी हुई अब कभी ये दूर होने वाली नहीं है यह मायूसी अल्लाह की रहमत से मायूस हुआ मायूस होता है ना उम्मीद होता है हौसले पस्त हो जाते हैं हिम्मत तोड़ देता है और जहां देखे मातम करता रहता है कि अब क्या हमारे हालात सुधरेंगे, क्या अब हमारे हालात अच्छे बनेंगे नौकरी चली गई परेशान दौड़ धूप किया अब क्या हमें नौकरी कहाँ मिलेगी अब रोता धोता है अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद नहीं रखता यह कभी नहीं सोचता कि जो रब हमें पिछली जिंदगी में इतने दिन तक खुशहाल रखेगा वो आइंदा भी इन हमारे हालात को अच्छा बना देगा हमारी तंगदस्ती दूर होगी हमारे लिए बेहतरीन रिश्त का इंतजाम कर देगा नहीं बिल्कुल मायूसी का शिकार कुछ लोग खुदकुशी कर लेते हैं कुछ लोग चादर ओढ़ करके लेट गए शिकवा शिकायत करते रहे ये इंसान का किरदार हालांकि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए नंबर दो दूसरी बुराई कफूर कफूर का मतलब है नाशुरी करना अब वो नाशुक्री करने लगता है नाशुरी का ताल्लुक मुस्तकिल गुजरे हुए जमाने से गुजरे ही हुए जमाने से और हाल थे यानी मौजूदा और पिछली ही भी जिंदगी पर शुक्र क्या मतलब अल्लाह फरमाते हैं हमने एक अरसे से इसको खुशहाल बना रखा था दस साल बीस साल पच्चीस साल पचास साल तक कभी हमने इसके रिस्क को तंग नहीं किया कोई परेशानी नहीं बेहतरीन किस्म की नौकरी बेहतरीन किस्म के कारोबार हर किस्म की नेमतों से नमाजा बड़ा ऐश किया अभी सिर्फ एक झटका लगा रोना धोना शुरू करता है कभी ये नहीं कहता भाई चंद दिन की बात है अल्लाह ताला ने पचास साल तक हमको बड़ी खुशहाली की जिंदगी अता कर रखी थी पिछली जिंदगी जो खुशहाली की है उसको भूल जाता है उसको याद करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता ये है दोस्तों कफूर इंसान उस और कफूर ये दोनों चीजों का शिकार हो जाता है अरे बदतरीन खसलत है इंसान की बड़ी कमजोरी है उसको याद रखो दोस्तों बड़ी कमजोरी है इंसान कि उस कमज़ोरी का तस्कर अल्लाह यहाँ बयान कर रहे हैं इंसान फितरतन बड़ा जल्दबाज है इंसान सिर्फ जो मौजूदा उसकी हालत होती है उसी पर उसकी निगाह होती है अक्सर लोगों का नज़रिया यही होता है कि सारा गौर फिक्र सारी तवज्जो जो मौजूदा हालत किस हालत में इंसान इस वक्त है उसी पुरुष की निगाह होती है न मुस्तकबिल की हाल की जिंदगी में कभी सोचता है कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखे और न पिछली जिंदगी याद करके कभी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है यह है इंसान की कमजोरी यह और कफूर मुस्तकबिल में अल्लाह ताला की रहमत से मायूसी और गुजरी हुई जिंदगी जो खुशहाली की गुजरी है उस पर इंसान की ना शुक्री होना क्या चाहिए होना तो ये चाहिए था कि इंसान पिछली जिंदगी को याद करता उस पर अल्लाह ताला तुक्र अदा करता ये मौजूदा हालत जो उसकी परेशानी की है तंगदस्ती की बीमारी की मुलादमत चली जाने की कारोबार के डाउन हो जाने आमदनी बंद हो जाने की आदमी ख्याल आदमी का के लिए जरूरी था कि इस पर इंसान जरा सब्र जब्त से काम लेता शबर और जब्त से काम लेता अपने इस हालत पर सबर और जब्त से काम लेता नंबर तीन आने वाली जिंदगी जो है उसमें उस, उस जिंदगी के में के मुतालिक अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखता और ये यह तो रखता और उम्मीद करता कि हालात इन जरूर हमारा रब हमारी इस अच्छी बना देगा हमारे हालात फिर अच्छे बना देगा अल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें ऐसे ही सारी जिंदगी नहीं रखेगा अल्लाह हमारे हालात को अच्छा बनाएगा होना यह चाहिए दोस्तों कि पिछली जिंदगी को याद करके अल्लाह ताला का शुक्र मौजूदा हालत और कंडीशन हमारी जो है जिसमें आज हम मुब्तला हैं ऐसी हालत में इंसान सब्र सब्त से काम ले और अल्लाह ताला से दुआ करता रहे और तीसरी चीज है कि मुस्तकबिल हम मायूस ना हो आइंदा आने वाले वक्त में हम अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला ज़रूर हमारे हालात को अच्छा बनाएगा यही मोमिन का किरदार होना चाहिए रही बात इंसान इन तीनों अवकात में आने वाले वाला वक्त उसमें मायूसी का शिकार हो जाए पिछली खुशहाल ज़िंदगी जो गुजरी है उसको भुला जाए ना शुक्री करे और मौजूदा हालत जो है परेशानी की शबर और जब्त की बजाय ऐसे मौके पर शिकवा शिकायत करें ये तीनों बड़े बदतरीन गुनाह हैं बदतरीन गुनाह हैं और कबायर में से हैं इससे इंसान के अकीदे की भी बर्बादी और इंसान के आमाल की भी बर्बादी इसीलिए इंसान को चाहिए कि इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखे नबी अलैहिस्सलाम हजरत अब्दाला बिन अब्बास तलाम कहते हैं कि नबी आसरा की मजलिस में एक शख्स आया और कहेगा यार रसूल्ला अनिल कबायर आप बताएं कि कबायर गुनाह क्या हैं सबसे बड़े बड़े बदतरीन गुनाह क्या हैं आपने फरमाया तीन गुनाह हैं नंबर एक अशरक बिल्ला अल्लाह त के साथ अशर का करना है और अब्दुल्ला अब मसूद तो अकबरुल कबायर कबायर नहीं बल्कि अकबरुल कबायर कबायर गुनाहों में भी सबसे बड़े गुनाह तीन हैं कहता अल्लाह मल कबायर बड़े बड़े कबीरा गुनाह क्या है बताएं ताकि हम बचें अल्लाह रसुल ने फरमाया तीन किस गुनाह नंबर एक अश्र कुबिल्ला नंबर एक नंबर दो अल्लाह की रहमतों से मायूस होना यह मायूसी नहीं हमेशा अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें हदीस कुछ सी, अल्लाह कसू फरमाते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा पंदा मेरे मुतालिक जैसे गुमान रखता है मैं वैसे उसके साथ पेश आता हूं यानी हदीस का मतलब कि आप अच्छी उम्मीद रखें आइंदा हमारे हालात फिर अल्लाह दुरुस्त कर देगा तो यकीन आप अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखते हैं तो यकी जरूर अल्लाह आपके हालात को अच्छा बना देगा नंबर तीन वल वाल मकर अल्लाह की नाफरमानी और गुनाहों और बुराइयों पर अल्लाह ताला की पकड़ अल्लाह ताला के आदाब से बेखौफ और निडर बेबाक हो जाना तो हमारा किरदार ये है। इस आयत में अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की तीन बुराई बयान की है नंबर एक इंसान अपनी पिछली जिंदगी पर अल्लाह ने क्या क्या दिया कैसी रहमतों की जिंदगी, नेमत की जिंदगी गुजारी उसको याद नहीं करता उसको भुला देता है नंबर दो आइंदा अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मायूसी और बदगुमानी करता है नंबर तीन सिर्फ अपने मौजूदा परेशानी पर रोता धोता है शब्र नहीं करता और ना तो पिछली जिंदगी पर गौर करता है और ना अगली जिंदगी पर अल्लाह ताला से रहमत को मेद रखता है अल्लाह ताला हम सबको इन तीनों बदतरीन गुनाहों से बचाए अब इसके बाद वाली आए उसमें भी अल्लाह ताला ने इंसान की बड़ी अजीब से कमजोरी बयान की और बदतरीन खसलत अल्लाह फरमाते हैं वर अना तो अकबर अब दूसरे अंदाज से अल्लाह पहली शकल शक्ल थी पहली आयत में अल्लाह नेमतों से माला माल किया एक अरसे तक खुशहाल फिर अल्लाह ने किसी मसलहत की बिना पर उससे अपनी नेमतें छीन ली और ये दूसरी आयत बिल्कुल इसके बरखिलाफ एक इंसान परेशान था बीमारियों में कारोबार में रोजी रोटी में मुलाजमत नहीं थी रिश् की तंगी परेशानी सेहत से महरूम तरह तरह की मुश्किल में था एक अरसे तक मुसीबतें झेलता रहा तरह तरह की बलाओं में मुबतला रहा अल्लाह ताला ने आजमाया तकलीफ और परेशानी के जरिए तो अल्लाह ने आजमाया अब अल्लाह ताला ने किसी मसलहत यानी उसको आदमाने या अल्लाह ताला ने उस पर रहम व करम करके बतौर में रहमत के अल्लाह ताला ने उसकी सारी परेशानी को दूर करके अपनी नेवतों से मालामाल कर दिया बीमार था सेहत दे दी गरीब था अल्लाह ने खुशहाल बना दिया तंगदस्ती थी अल्लाह ने खुशहाली अदा कर दी कारोबार नहीं चल रहा था कारोबार चलने लगा मुलाजमत नहीं मिल रही थी अल्लाह ने बेहतरीन किस्म की नौकरी और मुलाजमत दे दी बड़ी इज्जत की नौकरी अल्लाह फरमाते हैं जब एक इंसान इंसान की कमजोरी जरा देखो जब ऐसे परेशान इंसान की परेशानी को दूर करके हमने हर किस्म की नेमतों से मालामाल कर दिया खुशहाल कर दिया बीमारी दूर कर दी सेहत दे दिया फ़कीरी दूर कर दी हमने उसको मालदार बना दिया बेरोज़गारी ख़त्म करके रोज़गार से लगा दिया मुलाजमत नौकरी नहीं मिल रही थी हमने नौकरी दे दिया शादी नहीं हो रही थी शादी करा दिया अल्लाह फरमाते जब परेशानी को दूर करके हम उस इंसान को अपनी रहमतों से मालामाल कर देते हैं और खुशहाली में उसकी हालत तब्दील कर देते हैं तो अब अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अल्लाह ताला की नेमतों की कदर नहीं अल्लाह ताला के तात और फर्मा नहीं बल्कि कहता क्या है वसत अन्य अब बड़े किबर और गुरूर के साथ कहता है देखो सारी मुसीबतें हमारी मुसीबतें ख़त्म सारी मुसीबतें ख़त्म हो गई सारी परेशानी दूर ऐसे बेफिक्र हो जाता है अब अपनी पिछली जिंदगी को इंसान भुला देता है सिर्फ आज की खुशहाली जो है उस पर निगाह यह नहीं सोचता कि जिस रब ने पहले हमें महरूम किया था आइंदा भी महरूम कर सकता है यह नहीं सोचता पिछली जिंदगी से कोई इबरत और नसीहत हासिल ही नहीं करता बल्कि बड़े किव्र गुरु के साथ क्या था जहा बस आत आतनी देखा सारी मुसीबतें परेशानियां हमेशा के लिए दूर खत्म कभी ये भी नहीं सोचता कि अल्लाह ताला की मर्जी अल्लाह ने कल तक खुशहाल परेशान रखा आज अल्लाह ने हमें खुशहाली अता की शुक्र अदा करो ताकि आइंदा हमेशा ऐसे रहें कहीं ताकि आइंदा अल्लाह ताला हमसे अपनी नेमत छीन न ले ये कभी नहीं सोचता बल्कि क्या कहता है जहा बस ये आतनी हमसे सारी परेशानियां सारी तकलीफें हमारी दूर हो गई ये कहता है वो इन नहू लफर फ़खूर इन नहू लफर फुरूर और दो नहायत खतरनाक बुराइयों में और मुबतला हो जाता है जैसे पहला बुरा मुबला था पहला किसमें मुबला था या यऊस और कफूर में और ये किसमें मुबतला हुआ फरह और फखूर में अल्लाह लो लफर फखूर. अब ये अपना पुराना वक्त भूल गया मुश्किल में तो कुछ अल्लाह को याद कर लेता था अब जब अल्लाह ने, ने नेमतों से नवाज दिया तो अल्लाह को भी नहीं याद करता नेकियां भी नहीं करता अब उसने तीन बुराइयां की नंबर एक लयाकूलहा सै तो अन्नी देखा कैसी तकलीफें हमारी दूर हुई हमने ये किया वो किया इतने दिन तक हिम्मत नहीं हारी सारी मुसीबतें ख़त्म हो गई कभी ये भी नहीं कहता भाई अल्लाह ताला का हम पर कितना करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारी सारी परेशानी को दूर करके आज ये खुशी के दिन नसीब ये नहीं अपनी बड़ी बढ़ाई जहा बस से गया तो अन्नी हमने इतनी दौड़ धूप इतने दिन से हम दौड़ धूप कर रहे थे अब हमेशा हमेश के लिए हमारी परेशानियां दूर अब उसको यह डर नहीं कि कभी अल्लाह हमसे छीन भी सकता है अल्लाह को भूल गया पिछली जिंदगी में जो तकलीफें उठाई अल्लाह ताला ने सारी तकलीफ को दूर किया अल्लाह का एहसान नहीं मानता इन मैं कितनी कोशिश किया मालूम है आप लोगों को दिन रात में दौड़ता रहा यहां भागा वहां गया यहां गया वहां गया इनसे मिला उनसे मिला अल्लाह का शुक्र नहीं बल्कि अपनी डीगे वहांता अपनी बड़ाई बयान करता नंबर दो इन नफर और इतराने लगता है वो इतराने लगा किवर और गुरूर इतराने लगा अब अपनी बड़ाई मारना अल्लाह को भूल जाना दीनदारों को बुरा भला कहना शरीयत से किनारा कशी आप सिर्फ उसका मकसद है अच्छे से अच्छा खाना अच्छे से अच्छे पहनना और बेदीनों के साथ जिंदगी गुजारना अब तो कारोबार चल गया ना जितनी अयाशी नहीं कर सकता था बुराई अब मजीद और सारी बुराइयां करने लगा इतराता है एक तो यह बुराई उसने की उसको चाहिए था कि पुराना वक्त याद करता पिछली जिंदगी का परेशानी का अल्लाह ने उसके हालत को बदल खुशहाल बनाया तो इस पर एम अमल साले करता अल्लाह का शुक्र अदा करता दीन का काम करता नहीं अब वो इतराने लगा अब बाहर की यहाँ घूमना यहाँ जाना वहाँ जाना अब अल्लाह को याद नहीं करता अब तरह तरह से अवबाशों आवारा लोगों के साथ दोस्ती उठना बैठना और उन्हीं जैसे बनने की बेदीनियों का बेदीनी की राय इख्तियार किया नंबर तीन फ़खूर अब उसके अंदर बड़ा किम्र और गुरूर और फख्र करता है फख्र करता है गैरों पर अपने से छोटों पर गरीब मिस्किन दीनदारों पर बड़ा फख्र करता है जब अल्लाह ताला ने तुशहाली के बाद परेशानी मुब्तला किया तो यगस और कफूर मायूसी और ना शुक्री और ना सबरी किया और जब इस इंसान को अल्लाह ताला ने जो एक अरसे तक परेशानी में था उसकी परेशानी को दूर करके खुशहाली में तब्दील कर दिया तो अब इतराता है और फख्र और गुरूर घमंड और करता है और अल्लाह ताली कबूल जाता है दिन से दूरी इख्तियार करता है और ये बदतरीन चीज़ है ये फिन का कानून का तरीका था अल्लाह ने फरमाया ये इंसान की कमजोरियां लेकिन अगली आयत बड़ी अहम अगली आयत जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, हैंदीना सबरु इदीना सबरु वाय अल्लाह फरमाते दोनों गिरोह जो हैं यऊस और कफूर और फर और फुर ये दोनों किस्म के लोग जो हैं पहला इंसान कौन था जिसको अल्लाह ने एक अरसे दरात खुशाद रखा फिर किसी मसलेत की बिना पर अल्लाह ने उसके उससे दौलत माल दौलत अपनी नेमतों को छीन करके तंग दस्ती मुबला कर दिया वो तीन बुराइयों में ना सबरा ना शुक्र और अल्लाह मायूस अल्लाह तला की रहमत से मायूसी ये तीन खतरनाक गुरह मुबला हुआ और ये दूसरा इंसान जो पहले गरीब था तंगदस था परेशान हाल था अल्लाह ने उसके हालत को बदल दी खुशहाली में तब्दील कर दिया अब बेहतरीन किस्म की नौकरी भी है रहने सहने का इंतजार भी है आमदनी भी है बेहतरीन सवारी भी है बड़े इज्जत की नौकरी है बड़ी तनख भी उठा रहा है अल्लाह फरमाते अब इस ये तीन बुराइयों में यह भी हो गया पहले की तरह ये भी नाकाम इसने किब्रो कि गा और फिर सबसे बड़ी चीज ये अल्लाह ताला को भूल जाना कहता है जहा बस सै तो अन्नी अल्लाह ने हालात बदला लेकिन अपना कमाल लोगों में बताया तीन बुराइया इसने की लेकिन अब कामयाब कौन है ये दोनों तो हिलाक और बर्बाद तबाही और बर्बादी इनके नसीब में है दुनिया में जाए भी जाए तो आई है उनके लिए लेकिन एक तीसरा है सच्चे ईमान वालों का तरीका सच्चे मोबिन का तरीका उनका तरीका क्या है मगर जो लोग सब्र करते हैं सब्र किस पर हालात कित तो बदल गए तंगदस्ती, बीमारी परेशानी कारोबार डाउन हो गए आमदनी कम हो गई मुलाजमत चली गई नौकरी ख़त्म हो गई रोज़ी रोटी का बस बा दरवाज़ा बंद अल्लाह फरमाते हैं जो लोग ऐसी हालत में सब्र करते हैं सब्र करते हैं परेशानी तंगदस्ती, बेरोजगारी नौकरी चली गई कारोबार और आमदनी बंद तो वो इंसान पिछली जिंदगी को सोच करके इतने दिन तक अल्लाह ने कारोबार अच्छा रखा इतने दिन तक अल्लाह ने नौकरी शुक्र अदा करता है और ये मौजूदा हालत जिसकी परेशानी की है इसमें उस सब्र से काम लेता है सब्र का मतलब शरीयत की पाबंदी पर तोकुल पर अल्लाह रबी के तहत फरमा बरदारी पर अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद लगा करके सब्र करता है डटा रहता है ऐसा नहीं कि हाँ फिसल जाए सब्र करता है वह सालिहात और अल्लाह ताला खुशहाल बना देते हैं माल दौलत से नवादा तो ना तकबुर करता है ना फख्र करता है ना अपना कमाल समझता है वो नेक आमाल ज्यादा से ज्यादा करता है अल्लाह तारा का शुक्र अदा करता है परेशानी और तंगदस्ती में है तो अल्लाह तारा का शुक्र अदा सब अल्लाह के लिए सब करता है और अगर अल्लाह ताला उसके हालात को अच्छा बना देते हैं खुशहाली में है तो अल्लाह आलमीन का शुक्र अदा करता है नेक आमाल करता है ये है ऐसा नहीं कि हालात के बदलने से ये खुद बदल जाए नहीं ये अल्लाह ताला के फरमा फर्माबरदारी सब्र इस्तकाम पर डटा रहता है अल्लाह ने दिया शुक्र अदा करता है अल्लाह ने छीन लिया सब्र करता है नौकरी चली गई सब्र से काम लेता है कारोबार जरा डाउन हो गए उस सब्र से काम लेता है दीन नहीं छोड़ता अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता और अल्लाह ताला हालात अच्छे बना देते हैं तो इतराता नहीं अपना कमाल नहीं दिखाता किब्र गुर नहीं बल्कि उस पर अल्लाह ताला का वो शुक्र अदा करता है अल्लाह ने फरमाया यही कामयाब मोमिन बंदे हैं फरमाया फरमायादी सबरु वायम साल जिन लोगों ने सब्र से काम लिया और नेक अमल बराबर करते रहे मगफरा। ये हैं जिनके लिए अल्लाह ने मख्त तैयार जिनकी मगफरत और बख्शिश की बशारत दी जा रही है तंगदस्ती में सब्र किया डटे रहे अल्लाह के फैसले पर राजी रहे अल्लाह इसकी बरकत से उनकी मगफरत कर दी ये बड़ी ये सच्चे ईमान वालों की खूब अल्लाह बयान फरमा रहा है कि उनके हालत बदलते हैं लेकिन वो सब्र इस्तेकामत से काम लेते हैं अमल साल करते हैं इनके सब्र और अमल साल इस्तेकामत की बरकत से अल्लाह ताला इनको बहुत नवाज़ा फरमाता है लहुम उलाफेरा ये लोग हैं जिनकी अल्लाह तगफरत करेंगे मखफरत और बख्शिश इनकी हो जाती है जो बहुत बड़ी दौलत है नंबर दो अजर कबीर और अल्लाह ताला इनके लिए बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है अजर अजीम से नवा देगा और ये जन्नत के मुस्तक होंगे आमन आमस व तवासो बिलहक के व तवासो बेसब्र के मिस्ताक होते हैं तो दोस्तों ये तीनों आते आतों का मतलब हमने बताया जो आज हमारे हालात से बहुत ताल्लुक रखते हैं आज इंसान किसी की नौकरी जा रही है परेशान शिकवा शिकायत वावना ये नहीं सोचता कि कम से कम अल्लाह ने इतने दिन तक तो हमको बड़ा खुशहाल तो ये ख़ुलासा ये कि मोमिन का काम ये है कि तीनों हालात पर नजर रखे माजी में कैसा रहा उसको याद रखे खुशहाल रहा शुक्र अदा करेब्र करे परेशान हाल था अल्लाह ने परेशानी को दूर कर दी इस पर अल्लाह तारा का एहसान मंद दो अल्लाह तारा का जिक्र अदा करे मौजूदा हालात पर इस तकामत इख्तियार करे और मुस्तकबिल में मुस्तकबिल की जो ज़िंदगी है उसमें अल्लाह इंसान अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद रखे Allah की मेहरबानी अल्लाह रबुलम की से मेहरबानी उसकी रहमत की उम्मीद रखे और अच्छी तवक्को रखे कि अल्लाह ताली जरूर मेरे हालात को सुधारेगा और ज़रूर इन सुधारेगा ये है सच्चे मोमिन का तरीका अल्लाह तब को